सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी के चेहरे के मुस्कुराहट की वजह ही बनो, खुशी ही नहीं सुकून भी मिलेगा। आजकल हाथ जोड़ना ही नहीं, बड़ों से बात करते समय मोबाइल ना चलाना भी बहुत बड़ा सम्मान है। सिर्फ उतना ही विनम्र बनो जितना जरूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहम को बढ़ावा देती है। घर के अंदर जी भर के रो लो पर दरवाजा हंस कर ही खोलो। आज का पंचांग 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शाम 4:56 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र शाम 4:20 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:36 से 3:03 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर शाम 4:20 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर सुबह 7:43 तक रहेंगी। इसके उपरांत तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति, कार्तिक स्नान और वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं। कन्या राशि 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार। आज के दिन भावनात्मक रहेगा आपको अपने अंतर मन की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने की स्थिति भी आ सकती है। आपको इससे थोड़ा सा डर रहेगा क्योंकि आपने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। आपका कोई करीबी भी आज भावनाओं में बहकर बात करेगा, लेकिन आपको जमीन से जुड़े रहकर उपयुक्त प्रतिक्रिया देनी है। मरम्मत या नवीनीकरण के लिए आपको समय और धन की आवश्यकता हो सकती है। सुनिश्चित करें कि घरेलू मामले हल हो जाएं, बीती को विस्तार कर आगे की सुध लें। जीवन एक कार की तरह है, अगर आप उल्टा जाएं तो मंजिल पर नहीं पहुंच सकती। धन संबंधित मामले आज आपको परेशान करेंगे, इन मामलों से उभरने के लिए आपको किसी सलाह या मदद की जरूरत पड़ सकती है। अपने जीवन में आई समस्याओं को हल करने की कोशिश करें, भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। आज सितारे बताते हैं कि आपको आज क्रोध पर कंट्रोल करना होगा और वाणी को संयमित भी रखना होगा, इससे आप लाभ पाने में सफल होंगे। भाई बहन के विवाह की बात चल रही है तो आज बात बन जाने की पूरी संभावना है। पड़ोसियों और मित्रों से आप आज सहयोग पाएंगे। अगर आज आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो वह सोच समझ कर दें क्योंकि वापस मिलने की संभावना कम है। वैसे आज आपको कहीं से अचानक ही धन लाभ मिल सकता है। आज के दिन आपके लिए नुकसानदायक भी रहने वाला है, आपको कोई जोखिम उठाने से बचना होगा। धार्मिक कार्यों में आपका काफी रुचि रहेगी, आपको अपने खर्चों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपने कुछ कर्ज ले रखा था तो वह भी काफी हद तक दूर होगा। आपको गलत तरीके से धन कमाने से बचना होगा। आपकी सेहत में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी जो आपको परेशानी देगी। कारोबार में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी की तलाश में लगे लोगों को अभी कुछ समय बाद ही राहत मिलेगी। दिनचर्या कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए उन्नति के मार्ग खोलेगा। हालांकि सहयोगियों की मदद आपको कामयाबी देगी। सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान अवश्य रखें, इससे संपर्क भी बनेंगे। अपनी मर्जी के अनुसार काम करने से लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। लोगों की मदद करते समय आप अपने काम को नजरअंदाज न करें। लोगों से मिल रही प्रशंसा के कारण सकारात्मक महसूस होगा। कुछ लोग आपके स्वभाव का फायदा उठा सकते हैं। काम की जगह अपेक्षा के अनुसार श्रेय प्राप्त न होने से मानसिक तकलीफ भी हो सकती है। पार्टनर के निर्णय में आप दखलअंदाजी न दें, इस बात का ध्यान रखें। प्रसन्नता के अवसर भी मिलेंगे, उत्साह भी बना रहेगा और साहसिक कार्य करने का मन भी होगा। मित्रों और परिवार से सहयोग मिलेगा, साथ ही कार्य का विस्तार करने का विचार होगा। न्यायालय और भूमि संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। निवेश के लिए समय बहुत अच्छा है, सावधानियां। फाइनेंस संबंधित गतिविधियों में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। कोई डील करते समय बड़े नुकसान होने की स्थिति बन रही है।
घर के बुजुर्गों का मान सम्मान बनाकर रखें तथा उनकी सलाह और मार्गदर्शन का अनुसरण भी करें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी का सहयोग और सलाह आपको किसी निर्णय तक पहुंचने में सहायता करेगा। युवा प्रेम संबंधों की वजह से अपने भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता ना करें। आप इस समय अपनी खुशी शारीरिक संबंधों में तलाश कर रही हैं। कोई खास और अंतरंग आपके आसपास है और आप उसके आकर्षण से बच नहीं पा रही हैं। लेकिन सावधान रहें, जिन फलों को खाने की मनाही होती है उन्हें हजम करना आसान नहीं होता। यह तय कर ले कि आपके इस मजे और साहस भरे अनुभव के परिणाम के रूप में आपको बाद में कोई परेशानी ना होने पाए। मन की शांति के लिए घर से उपयुक्त कोई स्थान नहीं है, इसलिए आज घर में अधिक समय बीतेगा। माँ के जैसे कोई स्त्री या सलाहकार आपको कंपनी देंगे। दिल के बात बताने के लिए भी अभी समय उपयुक्त है और इसके लिए आपकी एक मुस्कान व प्यार के दो बोल ही काफी हैं। आज आप कुछ नया तलाश कर रहे हैं और आप भाग्यशाली हैं क्योंकि वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। यह खोज यौन आवेगों और भावनात्मक जरूरतों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। जीवन में कोई समस्या है तो उसे अकेले सुलझाने की जगह अपने साथी के साथ हल करें। याद रखें, प्यार का मरहम हर दर्द को दूर कर सकता है। बात करते हैं करियर की। जीवन का यह चरण काफी समृद्ध है क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर रहे हैं। अभी प्यार और करियर पर ध्यान दें व अपने अधिकारों का अच्छे तरीके से प्रयोग करें। वाहन, घर या घरेलू मामले आपका अतिरिक्त समय लेंगे, इसके लिए तैयार रहें। पैसा आज आपकी चिंता का मुख्य विषय है। भविष्य में आप अपनी आर्थिक लाभ के लिए नए साधनों को खोज लेंगे। पूरी तैयारी के साथ कमर कस ले क्योंकि आपके चाहने वालों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। समस्याओं को हल करें, इससे आपका तनाव भी कम होगा। मेहनत शरीर को मजबूत बनाती है और कठिनाइयां मन को मजबूत करती है। आपके कार्य क्षेत्र या करियर में परिवर्तन आने के संकेत हैं। अगर आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रही हैं तो आज आपके अंतिम कदम उठाने की संभावना हो सकता है कि आप अपना प्रशिक्षण संस्था भी खोली जो कि आप लंबे समय से करना चाहते थे। इस प्रक्रिया में आपको कुछ जोखिम भी लेने पड़ सकते हैं, पर यह भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित अपनी फाइलें व डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें, कोई इनका दुरुपयोग कर सकता है। हालांकि कारोबार में अपेक्षित सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। कोई ऑफिशियल यात्रा का प्रोग्राम बनेगा जो कि फायदेमंद साबित होगा। बात करते हैं सेहत की। जब तक आप दूसरों को अच्छी तरह खाना नहीं खिला लेती, आपको तसल्ली नहीं होती, क्योंकि इतना ही ध्यान आपको अपना खुद का भी रखना चाहिए। अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें और खूब आराम करें, जिसके आपके शरीर को लंबे समय से जरूरत है। कुकिंग क्लासेस भी ले सकते हैं ताकि आपको अपना मनपसंद खाना तैयार करने और खाने की प्रेरणा मिले। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बिना बात अपने स्वास्थ्य की चिंता कर व्यर्थ तनाव ना पालें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को पके फल का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।